अरे ये क्या, ये कौन है? डरने की जरूरत नहीं है, अगर सब लोग 5 मिनट तक चुप रहेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। इसमें कितना कैश है? 5 लाख। इसमें डाल दे। मुझे बस इतना ही चाहिए, मुझे तुम लोगों के पैसों की जरूरत नहीं। तुम सब जाकर अपनी फैमिली के साथ खुशियां मनाओ। अरे अब ताली तो बजा दो। साइलेंस। आपके पापा को कैंसर है ये आपको पता भी नहीं था? सर मूर्ति घर मिस्टर सत्या, आखिर में वहां क्या हुआ था? मूर्ति गन नीचे फेंको, नहीं तो बच्चा नहीं बचेगा। आंडियन, तू ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूं। बच्चे को बीच में से हटा दे। किसी ने देखा तो नहीं ना? लड़के को मारना ही पड़ेगा। इस लड़के के माँ बाप कहाँ हैं? कोई नहीं है इसका।
ये ले लड्डू खा। ऐसे क्या देख रहा है? आज मेरा जन्मदिन है। तुझे पता नहीं है क्या? तुझे बताने का मन हुआ तो हे, क्या हुआ तुझे? मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर। मैं समझता हूँ, चल छोड़, यहाँ रहना ही अच्छा है, बाहर तो बहुत तकलीफ है। यहाँ तुम्हें खाना वाना भी मिल जाता है, तुझे तो अच्छा पढ़ना भी आता है ना, तुझे पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनना चाहिए। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ इसकी। मेरे पहचान के पुलिस वाले हैं, उनसे बातचीत करके तुझे पुलिस में भर्ती कर दूंगा। पुलिस नहीं बनना मुझे। क्यों? मुझे पुलिस नहीं बनना सर। क्यों नहीं बनना चाहता पुलिस? पुलिस नहीं बनना मुझे सर। देखा, अपनी मर्जी से आता है जाता है, अपने आप को सयाना समझता है। हाँ सर। जाने दो, वो किसी से कुछ बोलता कहाँ है। क्या सर, आप भी उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। ए, वो शांत रहने वाला आदमी और तुम उसके साथ झगड़ा करने की सोच रहे हो। सर, इंस्पेक्टर साहब आपको बुला रहे हैं। सर, रंगाराव अभी चेन्नई में ही है। जमानत ले ली क्या? उसके ऊपर 15 केस हैं सर, लेकिन अब तक प्रूफ कुछ नहीं कर पाए हैं। अंडरवर्ल्ड लोगों से उसकी फुल डीलिंग चलती है सर। इन्फॉर्मेशन है उसका कोई बड़ा हाथ मारने का प्लान है, हम लोग उसे फॉलो करना चाहते हैं। हमें वेपन और परमिशन चाहिए। क्या दास, ये सब बताने की जरूरत है क्या? बताना मेरा फर्ज है सर। मॉडल ब्रूनी, 8 bullets लोडेड। सत्या बैठो, काम कैसा चल रहा है? चल रहा है सर, कोई परेशानी नहीं है। क्यों भाई, सेशन केस में कुछ ले नहीं रहे हो? ले लो, यही तो कमाने की उम्र है। कंप्लेंट लिखवानी है सर। मुंशी के पास जाइए। राइटर कहाँ है? क्या बे? वो एक कंप्लेंट लिखवानी है सर। उधर जाओ। सर, गुड मॉर्निंग। क्या सर? परेशानी है? एक कंप्लेंट लिखवानी है सर। वही पूछ रहा हूँ, क्या परेशानी है? वो एक आदमी ने मुझे गाली दी है सर। गाली दिया? क्या गाली दी बताओगे भी? वो माँ बहन की गाली दी है सर। क्या? माँ बहन की गाली दी है सर। छोटी सी गाली के लिए थाने आ जाते हो सर। गाली तो गाली ही होती है सर, अभी तक मुझे किसी ने कभी गाली नहीं दी सर। कंप्लेंट लिख लीजिए सर। ठीक है, लिखेंगे। पहले दुकान से पेपर लेकर आओ, 2 bundles पेपर के साथ 10 pens लेकर आना। जाओ यार। पेपर लेने जा रहे हैं क्या? सबके लिए चाय बोल दीजिएगा। फिक्र मत करो, मैटर बात करके सुलझा देंगे। बात करने की जरूरत नहीं, आप FIR लिखिए सर। FIR? वो बड़े केसेस में होता है, इंस्पेक्टर के साइन लगते हैं उसमें। इंस्पेक्टर के साथ मैं बात करूंगा ना सर। ये सब क्या चल रहा है? सर, मैं म्यूनिसिपलिटी ऑफिस के बाहर टाइपराइटिंग करता हूं सर। एप्लीकेशन फॉर्म्स टाइप करके देता हूँ। आज एक आदमी आया था सर, उसे भी मैंने एप्लीकेशन टाइप करके दी सर। उसने मुझे 500 का नोट दिया सर। मैंने उसे कहा छुट्टे पैसे दो, तो उसने मुझसे ऐसी वैसी गंदी बातें की सर। क्या बताऊँ, कितनी गंदी गंदी गालियाँ दी। अरे साहब के सामने ये सब गालियाँ मत निकालो।
सर, यही है वो आदमी। छुट्टे मांग रहा था तो गाली देते हो। सॉरी सर, एक इमरजेंसी थी तो उसी टेंशन में। कैसी टेंशन? बिजनेस है? बिजनेस डील सर। कौन सा बिजनेस है? ज्वेलरी सर। क्यों, छुट्टे तो रखते नहीं? और छुट्टा नहीं है बोला तो कंप्लेन करने पुलिस स्टेशन चले आए? सेठ जी को परेशान किया। सत्या ले लो, ले लो। तेरे चक्कर में 15,000 वेस्ट हो गए, चल जा। अंकल परेशान मत हो, रिपोर्टर दीदी आ गई है ना, अपनी परेशानी उसको बता दो, वो टीवी में दिखा देगी। दीदी उस दिन तुमने मेरा इंटरव्यू लिया था ना, वो टीवी पर कब आएगा? जल्दी आ जाएगा, मैं तुम्हें बता दूंगी। हाँ, एक बुजुर्ग आदमी के साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए ये चैनल अफसोस जताता है। इसके लिए जो इंस्पेक्टर जिम्मेदार है उनके और उनके साथियों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, ऐसी हमारी सरकार से विनती है। न्यूज़ 8 से मीरा वासुदेवन। अरे साहब, बात क्यों है? टीवी में बात करेगा तू? मेरे खिलाफ बोलता है? अरे मत मारिए सर, रुक जाइए। चल चलो निकलो, चल 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 यहाँ से। मारा क्या मैंने? ऐसे एक्टिंग मत कीजिए सर। सी दरअसल बात यह है कि कंफ्यूजन है, मैं तो वहाँ उनका हालचाल पूछने गया था। झूठ मत बोलिए सर, वहाँ खड़े लोगों ने भी आपको उन्हें मारते देखा था। देखा था तो गवाही देने को बोल, मेरे सामने आने को बोल, फिर मैं देखता हूँ कौन बोलता है। आइए मैडम। क्या सर, क्या प्रॉब्लम है? डरा रहे हैं मुझे? चलिए मैं भी मीडिया वाली हूँ, पुलिस वाले हैं तो कुछ भी कर लेंगे क्या? यहाँ बैठिए। तू जाके अपना काम कर, यहाँ आके मेरा टाइम वेस्ट मत कर, मेरे पास बहुत काम है, जा। मैं कमिश्नर के पास जाऊंगी। मैं आपसे जो कह रहा हूँ वो थोड़ा सुन लीजिए मैडम, इस मामले को यहीं पर छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ सकती हूँ सर, सबके सामने इन्होंने उन्हें मारा है। अगर आप टीवी में नहीं दिखाती तो ये मैटर इतना बड़ा नहीं होता। उनका टाइपराइटर उठाकर फेंक दिया इन्होंने, उससे ही उनके परिवार का गुजारा चलता है सर। सर आपका नाम क्या बताया था? सत्या। पुलिस स्टेशन में आप वैसे क्यों रहते हैं सर? वैसे बोले तो? वैसे मतलब अच्छे इंसान जैसे? ऐसा कुछ नहीं है, बातों से प्रॉब्लम सॉल्व करके बात वहीं खत्म कर देनी चाहिए, किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। थैंक्स। किस लिए? अच्छा हुआ ना उसका टाइपराइटर जो टूट गया था वो आपने बताया। सर आप बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लग रहे हैं, आपका एक इंटरव्यू ले सकती हूँ क्या? नहीं जरूरत नहीं है। प्लीज 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 ऐसा मत बोलिए सर, मीडिया और पुलिस डिपार्टमेंट में लोगों के भरोसे के लिए सर। अरे आप भी ना, चुप रहिए। फेसबुक ट्विटर में आप है क्या? एटलीस्ट ऑनलाइन आर्टिकल शेयर कर सकते हैं। मैं फेसबुक पर तो नहीं हूँ, वो सॉफ्टवेयर मेरे फोन में नहीं है। चांस ही नहीं है, इसे संभाल कर रखिए, थोड़े दिन बाद म्यूजियम वाले ले लेंगे इसे। पुलिस स्टेशन में आपके साथ कोई मजाक करता है या नहीं? कौन से गांव से हैं आप? देखिए आप इतना क्यों पूछ रही हैं? आपने इंटरव्यू शुरू कर दिया क्या? नहीं नहीं वो तो मैं आपसे बाद में ले लूंगी। आपने पढ़ाई कहाँ से की है? बाल सुधार गृह केंद्र से। समझी नहीं, क्या कहा आपने? आपने जो सुना सही सुना। क्यों, क्या किया था आपने? एक खून किया था। सर इंस्पेक्टर साहब बुला रहे हैं सर।
उस बुड्ढे को नया टाइपराइटर लेके दिया तूने। सर तो तू लोगों का हीरो और मैं विलन क्या? सर तो मैंने जो किया तू उसके खिलाफ जा रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है सर। तू जवान है, वो लड़की भी जवान है, देखकर फिसल गया क्या? गंदी बात मत कीजिए सर। मैं सब जानता हूं तू क्या कर रहा है, मेरे बीच में मत पड़, अपने काम से काम रख, समझा? सर इंस्पेक्टर साहब बुला रहे हैं। दास सर पुलिस स्टेशन में चुप रहते हैं, थोड़ा बाहर घूमने दो। रंगा राव को ढूंढने में लगा दो इसे। बस रुको। अरे क्या हुआ बस? ये सब खेल है क्या? जानता है कितनी बड़ी बात है? तू सस्पेंड भी हो सकता है। सर मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं भगवान नहीं हूं, इंसान हूं। प्लीज सर। सत्या अंदर आओ। ए, तुझे दास की वजह से छोड़ रहा हूं, उसे तुझ पर बहुत भरोसा है। गन मिस होने पे कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म करना होता है, अगर मैंने इन्फॉर्म किया तो समझ तेरी नौकरी गई। मैं तुझे एक दिन का टाइम देता हूं, अगर नौकरी प्यारी है तो गन ढूंढ ले, ध्यान रखना किसी को पता ना चले, डिपार्टमेंट की बेइज्जती हो जाएगी। सत्या तू जिस बस में जा रहा था उसमें दो बच्चे थे, इसमें उनका हाथ हो सकता है। मैंने एस्ट्रो स्टेशन से पूछताछ की है, वो किसी पिक पॉकेट ग्रुप के मेंबर है, फिक्र मत कर हम उन्हें पकड़ लेंगे। चेन्नई में जितने भी पिक पॉकेट ग्रुप है उन सबका कोई मुखिया होता है, वो सब सेलफोन से कॉन्टैक्ट करते हैं। इनका नेटवर्क पूरे स्टेट में है और इनका भी कोई मुखिया है, उससे कॉन्टैक्ट हो गया तो सब काम आसान हो जाएगा। ए रुक वहीं, कौन है तू? भास्कर से मिलना है। कौन भास्कर? चोर भास्कर। तेरी तो पुलिस रिकॉर्ड में ऐसा ही है ना भाई? एक पुलिस वाला आया है। पुलिस आया है? हे, अपना हफ्ता तो बराबर जा रहा है ना? हाँ भाई जा रहा है। तो फिर क्यों आया है? कितने लोग आए रे? एक ही है भाई। तुम्हारे लड़के लोगों ने एक गलत काम किया है भाई। क्या किया है? अनजान मत बनो भाई, खुद ही बता दिया तो ठीक रहेगा। अब तुम ही लोगों ने किया है ये मालूम है मुझे, प्रूफ नहीं है इसलिए अकेले आकर बात कर रहा हूं। सर वो अब मैटर को बढ़ाओ मत, मैं ही बता देता हूं, विजय को टपकाने वाले हमारे लोग ही है। आप लोग जैसा कर रहे हैं स्केच बना के आराम से जांच कर रहे हैं, करो। मेरे लड़कों ने उसके टुकड़े टुकड़े कर कर समंदर में फेंक दिए। देखो सर मेरी बात मानो, मैंने पैसे पहले ही भिजवा दिए, अगर और चाहिए तो बताओ मुझे। मैं उस मैटर के लिए नहीं आया। वो मैटर मेरे मतलब का नहीं है, जो चीज किसी दूसरे के हक की है उस पर वो अपना हक जता रहा है, वही चीज वापस ले जाने के लिए आया हूं। समझ गया। देखो विनोद को मैंने पहले ही समझाया था कि वो एमएलए का एरिया है, वहां से तू माल मत उठा, लेकिन वो सुने तब ना। आजकल के लड़के सुनते कहाँ हैं? आप कहो तो मरवा दूं उसे। मुझे तुम्हारे पॉकेट मारने वालों में से एक को देखना है, वो छोटा बच्चा है, 15-16 साल का होगा। सर सर
वो धंधा छोड़े मुझे 3 साल हो गए हैं। हे, 3 साल हो गए ना? हाँ भाई। ए, भाई बुला रहे। भाई वो मिल गया। किसे क्या चाहिए जाने बिना बड़बड़ करता है। क्या बे, इतना काम करता है और 20 ही रुपया रखा है। छी, इसमें भी उतना ही है। ये देख। ये क्या है रे? एक आदमी इसे अपने पैंट के पीछे दबाया था, मैंने उससे चुरा लिया। तू पागल हो गया है? क्यों मारा उसे? अरे बस हो गया यार, छोटे मोटे पर्स मोबाइल मार के क्या मिलता है, इसलिए मैंने सोचा बड़ा हाथ मारते हैं। ए, ये तो पुलिस की बंदूक है। अरे क्या बोल रहा है बे? पेंट से नंबर लिखा है, दिखता नहीं है क्या तेरे को? हेलो सर, मैं मीरा बोल रही हूँ। आपसे कहा था ना मुझे आपका इंटरव्यू लेना है। सर आपसे मिलना था मुझे। देखिए मैं बहुत टेंशन में हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। सर आपसे बोलूं या नहीं ये पता नहीं, बट मुझे आपकी थोड़ी सी हेल्प। हाँ सर बोलिए ना सर। मेरी बंदूक खो गई है, एक पिक पॉकेटर ने उसे चुरा लिया। उस लड़के का नाम जानते हो? मालूम नहीं है। ठीक है चलो देखते हैं। क्यों लेकर आए रे? इसको ही ढूंढते हुए आए हो बोलो। तुम कुछ छुपा रहे हो ऐसा लग रहा है, ठीक से बताओगे तभी ढूंढ पाएंगे ना उसे। ए, चले कल। कुछ नहीं सर, अब लड़के हमारे यहाँ कौन है ये मैं एक बार जरा देख लूँ फिर आपको बता दूंगा। उतना टाइम नहीं है सर, आज रात भर में सामान मिल जाएगा, ठीक है ना? परेशान मत हो, ये सर मिल जाएगी। अभी हम जिससे मिले थे ना वो बहुत बड़ा गुंडा है, उसकी बीवी के गुजर जाने के बाद वो भी एक अच्छी जिंदगी जी रहा है, वो सबको जानता है। आपकी बंदूक मिल जाएगी सर। थैंक यू सो मच मीरा। इट्स ओके। क्या तुम चेन्नई से हो? नहीं नागरकोइल। मम्मी पापा? गांव में हैं। उन लोगों को मेरा मीडिया में काम करना पसंद नहीं है। और यहाँ? पेइंग गेस्ट हूँ सर। सॉरी मैंने कुछ गलत तो नहीं पूछ लिया? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा वो एक और बात कहनी थी तुमसे, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया था, बिना गुनाह मुझे अंदर डाल दिया था। ये पहले क्यों नहीं बताया आपने? वो जिंदगी में मैं सबके पास तो अपनी कहानी मैं सुना नहीं सकता, इसलिए। और मैं अच्छा आदमी हूं ये बताना जरूरी नहीं था, लेकिन अब बताना जरूरी हो गया है। लाइफ में अगर दुख आता है तो खुशी भी जरूर आती है ऐसा कहते हैं, लेकिन आपने तो बहुत दुख उठाए हैं, इसके बाद सब कुछ अच्छा ही होगा। हेलो भाई, धर्मेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। मैंने सब पूछताछ करके देख ली है, अपने लड़कों में से कोई नहीं है। ए, क्यों बे, ये क्या उठा कर ले आया है? ये रखने से मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। अरे सुन रहे क्या बोला, ये रख के बड़ा आदमी बनेगा। मुझे भी अपने गैंग में शामिल कर लो। ए, हाँ भाई, भाई को अपने गैंग में आना है, इसके पास तो
घन भी है और कोई भी परेशान किया तो डिश क्या करके चुलबुल पांडे की तरह शूट कर देगा। कभी अपने आप को देखा है? उसको अटका क्यों दिया भाई? ए, चुप रे, कहीं इस चक्कर में हम ना अटक जाएं। अरे अब तो तू जरूर फंस जाएगा। वो आदमी मुझे ढूंढते हुए पूरे एरिया में घूम रहा है यार। ढूंढेगा ना, वो पुलिस वाला है, उससे बचकर कहाँ जाएगा तू? हाँ मुझे लगता है तू पकड़ा जाएगा, तेरा उससे बचना मुश्किल है। अब मैं क्या करूँ यार? जाकर उस आदमी के पैर पे गिर जा, बोल गलती हो गई और बंदूक उसके हाथ में देके आ जा। आगे तेरी मर्जी। माफ कर दो सर, सर मुझे माफ कर दो सर। कितनी बड़ी गलती की है जानता है तू? सर सब लोग बोल रहे थे पुलिस के हाथ लगा तो मार डालेंगे सर। सर गलती हो गई सर, सर मुझे माफ कर दो सर, सर मुझे मारना नहीं सर, सर प्लीज सर। पहले बंदूक दे मेरी। उसके आने पर मेरे को डाउट है, बड़ा मैटर है। चौका पेट में एक आदमी को भेज दिया सर। आइए, प्रभा ने सब कुछ उगल दिया है सर। सर सर किसको बेची बंदूक? दिखाता हूँ सर। मीरा अब तुम घर जाओ। थैंक्स। क्या है बे, नई पार्टी है भाई? भाई पुलिस, मैं पुलिस, मुझे मार कर तू कहां भाग सकता है? अगर तू मर दे तो शूट कर, मेरी बंदूक तेरे पास है वो दे दे, मैं चला जाऊंगा और तू आजाद। क्या हुआ तुझे? आधा घंटा पहले उसे बेच दिया। किसको बेची तूने? कोई डिटेल नहीं है मेरे पास। 1.5 लाख रुपया बोला था, मार्केट रेट से ज्यादा था, फिर भी वो लेकर चला गया। कॉफी ले लो। मीरा, इफ यू नो, तुम्हारा इंटर्नशिप पीरियड कल ही खत्म हो गया। Oh, is it, sir? To be honest with you, we are not completely satisfied with your performance. I mean, you have potential, but तुम्हारा बैच कंपेयर करके देखने से। सर, कहने का मतलब है कि आपको मेरा काम पसंद नहीं? तुम्हारा काम अच्छा है, बट तुम्हारा आइडियोलॉजी और तुम जो टॉपिक चूज करती हो उसमें प्रॉब्लम है। बच्चे, मजदूर, लेबर और ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स। उस दिन तुम एक मैटर लेकर आई थी ना, कोई टाइपराइटर था, पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेंट नहीं लिखी। इंस्पेक्टर के आने तक उसको ढूंढना पड़ेगा सत्या। गन लेने वाले के पास से उसने कोई डिटेल नहीं ली है सर। कुछ तो गड़बड़ हो रही है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता?
ये आप क्या कह रहे हैं सर? अगर वो रिवॉल्वर किसी क्रिमिनल के हाथ लगती तो हम उसे आसानी से पकड़ सकते थे, क्योंकि उनसे पूछना आसान है, लेकिन वो गन किसी आम आदमी के पास है और वो सोच रहा है कि इतने बड़े शहर में हम उसे ढूंढेंगे कैसे। जरा सोचो, आम आदमी उसका आखिर क्या कर सकता है। कोई चिल्लाएगा नहीं, कोई हिलेगा भी नहीं। मूव मूव, गोली मत मारो, चलो। क्यों क्यों आप फंस गए? चलो 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 एक तरफ, चलो चलो एक तरफ आ जाओ सब, चलो आगे। हे मैनेजर, अलार्म बजाने की कोई जरूरत नहीं है, पुलिस आएगी तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। साइलेंस! अगले 15 मिनट तक इस बैंक में सिर्फ मेरी आवाज सुनाई देगी, तभी तुम लोग जिंदा बच के बाहर जा सकते हो। सारा कैश निकाल के रख दो, हम लोग शांति से लेकर चले जाएंगे। सुन, बैग पकड़। कैशियर कौन है? कौन, तू ही है ना? इसे ले जा, सारा कैश इसमें डाल दे। एए! ध्यान रहे, बैंक का कैश इंश्योर्ड है, लेकिन तेरी जान नहीं है, ध्यान रखना। जा कैश भर, चल जा। घुटने बैठ जा, घुटने बैठ, चल चल। ए, जाने दे उसे, जाने मत देना इनको। ए, नहीं, नहीं, नहीं। नजदीक मत आना, दूर रह, बोला दूर रह, बोला ना शूट कर दूंगा वरना। मैं शूट कर दूंगा, मैं बता रहा हूँ, मैं शूट कर दूंगा। मेरी बच्ची, भगवान, मेरी बच्ची को मार डाला। छोटी बच्ची को मार डाला आपने, बहुत बड़ा पाप है। जानबूझकर नहीं मारा था, गलती से रिवॉल्वर चल गई। हे, क्या गलती से चल गई? बताया तुम्हें, हमारी चटनी बना देते वो लोग। कल रात को रिवॉल्वर ली थी मैंने, बस ये चेक करना भूल गया था कि वो चल रही है या नहीं। तो क्यों चेक नहीं किया? उसे चेक करना तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना। यहाँ पर बॉस कौन है तुम ये बात जानते हो? इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? ये सारा प्लान मैंने ही बनाया था और कई महीनों के स्ट्रगल करने के बाद बनाया था। जो हुआ वो सब गलती से हुआ, उसे भूल जाओ। पूरी शहर की पुलिस हमें पागलों की तरह ढूंढ रही है। हे, तू इतना डर किस ले रहा है? 1 करोड़ कैश है हमारे हाथ में, हम तीनों उसमें आसानी से सेटल हो सकते हैं। इतना भी समझ में नहीं आ रहा तुझे? बात करता है, लेकिन एक प्रॉब्लम तो है। सिर्फ रॉबरी का केस होता तो टेंशन नहीं थी, यहां तो एक मर्डर भी हो गया है, इसलिए केस सीरियस हो गया है। पुलिस ने अब तक अपना जाल भी बिछा दिया। तो फिर शूट क्यों किया उसे? मेरा मतलब का मर्डर का केस बन गया ना? बोला ना, जानबूझ के शूट नहीं किया मैंने। सर, बैंगलोर का सारा एरिया चेक कर रहे हैं, ओवर। तिरुपति वाली रोड पर एक गाड़ी को शक के आधार पर घेरा गया है, ओवर। लुटेरों की कार की अब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है सर, लोगों का कहना है कि शायद ब्लैक कलर। ए, क्या ये?
चाहिए, एक गन को ठीक से संभाल नहीं सकता। ये देखा, सिटी का नंबर 1 क्राइम लीक हुआ है। तुम जैसे लोग पुलिस में आते क्यों? अरे कहीं जाकर बैल चराओ ना। गन उनके पास कैसे पहुंच गई? आप चुप रहिए सर। गुना, सच सच बता, गन गुम हुए कितने दिन हो गए? सर वो जल्दी बता। 2 हफ्ते सर। सत्या, आने वाले सेकंड वीक से यू आर सस्पेंडेड। जो भी हादसा हुआ उसमें बची प्रीति और उसके परिवार वालों के प्रति पुलिस डिपार्टमेंट अपना शोक व्यक्त कर रही है। हमारा वादा है कि खूनी को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। पब्लिक को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट इसकी जिम्मेदारी लेती है। सर दूसरा कोई क्लू मिला है? पुलिस इंक्वायरी जारी है, बहुत जल्द उसके बारे में पता चलेगा। तुम बोल रही थी कोई न्यूज है तुम्हारे पास? मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज है सर। बैंक डकैती के केस में एक नया मोड़ सामने आ गया है। बैंक की डकैती में, माफ कीजिएगा, बैंक डकैती और बच्ची के कत्ल में जो गन यूज की गई है वो गन पुलिस वाले की ही है, ये हमें अभी अभी पता चला है। इस बारे में हम और जानकारी लेंगे। एसआई सत्या ने लापरवाही से अपनी गन खो दी, ये बात हमें आज सुबह ही पता चली, इसीलिए ही सस्पेंडेड। और इस बात की हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। सत्या, तू 2 दिन के लिए यहीं रुकना, बाहर के हालात ठीक नहीं है। पुलिस वाले तुझे ढूंढते हुए यहां नहीं आने वाले हैं, बस तू बाहर मत निकलना। हाँ, मैंने कोई गलती नहीं की है सर। पांडियन, इस केस का इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज आज से तुम हो। तुम्हें जिसकी जरूरत है उसे तुम अपने साथ लेकर काम कर सकते हो। तुम्हारे लिए एक अलग से टीम बनाई है, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं। पांडियन, यह अनऑफिशियल है, ये केस जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सॉल्व कर दो। वी नीड इमीडिएट रिजल्ट। केस पांडियन के हाथ में गया है, उसकी टीम सॉलिड रहती है। तो अब क्या करें? मामला सीरियस है, हमें होशियार रहना होगा। कुछ दिनों के लिए हम लोग ये शहर छोड़ देते हैं। बाहर गए तो ज्यादा रिस्क है, सब अलग अलग नजर आएंगे, इसलिए सिटी में रहना ही हमारे लिए ज्यादा सेफ है। भैया पैसे? बोलना, अकाउंट में लिख लेगा। भाई अकाउंट में लिख लेना। देखो भाई, उधारी नहीं दे पाऊंगा मैं। हे, बड़ा नोट है, छुट्टा देगा क्या? हाँ दूंगा, नोट दो। मेरे पास पैसे नहीं है। जेब में बहुत पैसे हैं, इसकी गाड़ी में मत दिखाना, किसी ने टिप दे दी तो सबके सब फंसेंगे। तो फिर क्या करें? पैसे हम साथ नहीं रख सकते, उसे छिपाना जरूरी है। कादिर। हाँ भाई। सारा कैश तेरे रूम में रखेंगे, वहां थोड़ा सेफ है। हाँ हाँ। पुलिस, नाम? सत्या। एक करोड़ जो लूटे वो तुमने कहां रखे हैं? सर तुम टोटल 3 लोग थे। बाकी के 2 कहां हैं? सर वो नहीं है सर। बहुत सही ढंग से प्लान बनाया, किसी को तुम पर शक नहीं होगा। तुमने खुद बता दिया तो अच्छी बात, नहीं तो उसका अंजाम तुम समझ। शूट करना है तो शूट कीजिए, ये सब मैंने बहुत देखा है, आपकी समझ में नहीं आएगा। तुम्हारा नाम है सत्य, बाल सुधार गृह में पढ़े, जो कत्ल नहीं किया उसके लिए 8 साल की जेल, 10th में 500 में 385 लाए, 12th में 1200 में से 978 लाए, वार्डन मनी के रिकमेंडेशन में पुलिस के एंट्रेंस एग्जाम दिया, पुलिस स्टेशन में कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, ढूंढ कर तुम्हारी कुंडली निकाली है मैंने, अच्छी तरह जानता हूं कैसे इंसान हो, कोई कुछ भी बोले भेड़ की तरह सर झुकाकर सुन लेते हो, झंझट में नहीं पड़ते, बिना रीढ़ की हड्डी वाले इंसान हो तुम।
इतना अच्छा बनकर भी क्या फायदा है? मंदिर के बाहर पूजा का सामान लेकर बैठ जाओ, उसी के लायक हो तुम, पुलिस बनने लायक नहीं। कोई और रास्ता नहीं था इसलिए पुलिस बन गए। तुम्हारी इंक्वायरी करके, तुम्हें बेकसूर पाकर, तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर कैंसिल करवाकर तुम्हें फिर से काम पर लौटने को कह रहा हूं तो नहीं चाहिए कहकर ठोकर मार रहे हो। क्यों, बहुत गुस्सा आ रहा है ना? हाँ? अच्छा पुलिस वाला बनना है तो ऐसे चीप रूम में बंद रखकर काम नहीं चलेगा। ढूंढो उसे। सही मेरी जिंदगी है, चाहे जान क्यों ना चली जाए पुलिस के हाथ नहीं लगने दूंगा। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं मालूम है ना? नहीं सर। अब फिर कभी चोरी करोगे? नहीं सर, कभी नहीं। सत्य हो गया, लेकर जाओ इसे। चलो चलते हैं। तूने जो कहा मुझे यकीन नहीं उस पर। चोरी करता सर, बात बार है सर। वो तो कह रहा है आज के बाद चोरी नहीं करेगा। बोलने वाले को कोई रोक सकता है क्या? नहीं सर, सर नहीं। ऐसे लोगों को मार और दर्द जरूरी है, इनके लिए दवा है ये। इसके बाद वो चोरी नहीं करेगा। सर छोड़ दो, सर छोड़ दो, बताता हूँ, छोड़ दो सर। बंदूक मैंने सूर्यकांत को बेच दी थी, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता सर। इधर उधर अपने आदमी को लगा कर रखो सर। उस बंदूक का सिर्फ एक ही एविडेंस है। जी सर। मीडिया तक तुम्हारी न्यूज कैसे पहुंच गई? पता नहीं सर। उस लड़की का नाम क्या है? सर मैंने ये पूछा कि उस रिपोर्टर का नाम क्या है। सत्यम सॉरी, मुझे माफ कर दो। तुमने क्या किया ये पता भी है तुम्हें? मेरा पूरा भरोसा तोड़ दिया। क्यों ऐसा किया तुमने? गलती हो गई सत्या, प्रॉब्लम ही कुछ ऐसी थी। मैंने तुम्हारे बारे में कुछ और सोचा था, तुम तो बहुत ही चीप निकली। सत्या स्टॉप इट, तुम जैसा सोचते हो मैं वैसी नहीं हूँ। तुम मेरे बारे में जानते ही कितना हो, फैमिली बैकग्राउंड, मेरी प्रॉब्लम्स, क्या जानते हो तुम? मेरे लिए ये काम बहुत इम्पोर्टेंट है पता है, उसे बचाने के लिए ये सब किया। मैं उस दिन तुम्हें मेरी मदद चाहिए थी तो तुम मेरे पास आए, तुम्हारी जब मैंने हेल्प की तब तुम्हें अच्छा लगा, पर आज तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है समझे? मैंने तुम्हें मेरा खास समझा था, लेकिन तुमने जो किया वो तुम्हें गलत नहीं लग रहा है? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मैं अपने गांव नहीं जा सकती हूँ, वो मेरी शादी करवा देंगे। चेन्नई में एक लड़की का अकेले काम करके जीना कितना मुश्किल होता है पता है तुम्हें? मुझे तुम बहुत पसंद हो, लेकिन ऐसा करोगी सोचा नहीं था। बैंक पर पूरी नजर रखी उन्होंने और इस बंदे ने पूरी प्लानिंग की है। चारों तरफ कैसी व्यवस्था है ये सब देखकर लूटने का प्लान बनाया है इन्होंने। मिस्टर मूर्ति सर, वेरी सॉरी सर, ये लोन आपको सैंक्शन नहीं कर सकते। क्यों सर? ये लोन कम से कम 10 साल के लिए होगा। अभी आपकी उम्र क्या है? अभी मेरी उम्र 59 साल और 2 महीने है सर। 10 महीने में आप रिटायर होने वाले हैं, पे कैसे करेंगे? नहीं हो पाएगा। क्या लगता है इन्होंने क्या किया होगा? लूटे हुए पैसों से एक 5-स्टार होटल के किसी बार में, नहीं तो उसी होटल में एक रूम लेकर। सर वो पीएफ का पैसा। हाँ सर, वो पीएफ का पैसा देख रहा हूँ मूर्ति, थोड़ा टाइम लगेगा ना सर, मुझे थोड़ी जरूरत थी तो। देखो मूर्ति, तुम एक काम करो, एक हफ्ते बाद आओ।
सर मुझे ये कोई पारिवारिक लगता है। ये देख बेटा टेडी बियर कैसे डांस कर रहा है। प्रकाश टेडी आया टेडी अब बेबी को किस करने। पापा आरती ने किचन में 400 रुपए रखे थे, आपने देखे क्या? पापा वैसी बात नहीं है। शाम को एक रिसेप्शन में जाना है, गायत्री का फोन आया था, तेरी बेबी के पास एक साड़ी है तो। हाँ मैं भूल गया था, रूम में रखी है, आप जाकर ले लीजिए। नहीं तू ही निकाल के दे दे। थैंक्स पापा, ऑफिस से सीधा शाम को रिसेप्शन में जाना है, आप वेट मत कीजिएगा। हाँ आपको बताना भूल गई, अगले हफ्ते मैं और हरी कोलकाता जा रहे हैं, वापस आने में एक हफ्ता लग जाएगा, तब तक आप प्रकाश के रूम में एडजस्ट करेंगे क्या? इसके लिए तू प्रकाश को खुद बोल देना। 15 दिन इधर और 15 दिन उधर रहने का आइडिया भी प्रकाश ने ही दिया था पापा, आप वही रह जाते, आपका खर्चा हम आपस में शेयर कर लेते, लेकिन वो सुनकर रहा है। पैसों से हैंडल कर रहा है। पॉइंट नंबर 2। क्या हुआ इतनी जल्दी आ गए? थोड़ा माल छुपा के रखा था, उसे ही ढूंढ रहा हूं। ये लो ये रहा। इधर ला। क्या बात है, तुम कितनी अच्छी हो। पता है सुबह से मैं इसे ढूंढ रहा था, टेंशन में कहां रख दिया था पता ही नहीं, ये जय भी सुबह से दिखाई नहीं दे रहा, वो नहीं है तो एक काम नहीं होता है। कौन जय? वही वो दुबला सा लड़का जो अभी अभी लगा है, उसे अगर कोई भी माल दे दो तो भरोसा रहता है। लेकिन ये सब यहाँ क्यों लेकर आते हो? पुलिस वालों की वजह से। ये विनोद को कोई काम बोलो तो सुनता है क्या? एकदम काम चोर। तू उसे बहुत प्यार करती है क्या? अरे ए, मुझे कहीं लेकर चला जा। अगले 3 दिनों में हम जा रहे हैं, तैयार रहना। कहाँ? कहीं भी, कोई हमें ढूंढ ना सके ऐसी जगह। लेकिन कहाँ? वो मत पूछ, बस तू मेरे साथ चल, सब हो जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लॉटरी लगी है क्या? बता 2 दिन के बाद क्या है? भूल गया, मेरा जन्मदिन है। मालूम है यार, जन्मदिन में कहीं चलोगी? कहीं भी लेकर जा, कहीं पर भी। पब्लिक को कंट्रोल करने के अलावा कुछ नहीं किया इन्होंने, सिर्फ उठा पटक करने वाले लगते हैं। नंबर 3। हेलो। हाँ हाँ मैडम। नहीं मैडम मैं इलेक्ट्रीशियन नहीं हूँ, सिंगापुर जाने के लिए भाई से पूछा था मैंने। हाँ मैडम पैसे रेडी हैं, इस हफ्ते में कैसे भी दे दूंगा आपको।
मैं पक्का दे दूंगा मैडम आपको, पैसे रेडी, कंफर्म डेट नहीं बोल सकता। हाँ मैडम। क्या कादिर, मलेशिया सिंगापुर। देखो मूर्ति भाई, काम सब हो गया है, जैसे आपने बोला था पैसे का बंटवारा कर लो बस। सबर रख, पुलिस हमारे पीछे है, थोड़े दिन रुकेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। और कितने दिन? क्या कादिर, क्या ये सब? भाई सिंगापुर में मुझे काम मिल गया है, पैसों की जरूरत है। कादिर काम जाता है तो जाने दे, और काम मिल जाएगा, लेकिन पुलिस के हाथों चढ़ गए तो फिर बच पाएंगे क्या? ठीक है भाई, तेरी क्या अर्जेंसी है? तुम्हें बताना जरूरी है, मेरा भी पैसा है ना, मुझे दे दो, मैं कहीं भी जाऊं, तुमसे क्या? ए, तू मैनेज कर सकता है लेकिन तू समझ नहीं पा रहा है। हमारा प्लान ये था कि जैसा मैं कहूंगा वैसा सब करेंगे, और तू इस बात के लिए राजी भी हो गया था, और अब तू बेकार की बहस करके हमारे बीच का भरोसा तोड़ रहा है। ये रॉबरी ऐसा नहीं थी। उसके लिए मैंने भी तो रिस्क लिया था, बोलता हूं तो सुनता है। अरे तू ग्रुप में नहीं होता क्या? दूसरे आदमी नहीं मिलता? ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें पैसों की जरूरत है, और मैं किसी को भी बैंक रॉबरी का प्लान बताता तो मेरे साथ कोई भी शामिल हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया मैंने। तुझे शामिल किया क्योंकि भरोसा था। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद धीरे धीरे सभी टूट जाते हैं, लेकिन हमारे बीच में वादा हुआ था कि हम कुछ भी हो जाए टूटेंगे नहीं। कुछ याद आया? अरे मूर्ति भाई शांत हो जाइए, जय छोड़ना यार, क्या कर रहा है? शरीफों जैसी बात मत करो मूर्ति। उस पैसे के तीन हिस्से होने, तुम्हारा 50, मेरा 40 और इसका 10 होना है। कादिर, सब कुछ बताने के बाद ही मैंने तुझे इसमें शामिल किया था ना। तुझे चाहिए सिर्फ 10 लाख, और इतने के लिए तू राजी हो गया था तभी शामिल हुआ था। मुझे चाहिए थी एक कार, यही बताया था ना, अपनी डील में सब कुछ क्लियर था। ये भी तो समझ रहा है ना, तेरी तरह झगड़ा कर रहा है क्या? ए, इस आदमी की बात सुनकर तू बर्बाद होने वाला है। ए जय रुक जा, तेरा जो हिस्सा देना उसमें 1 रुपया भी कम नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। पहले सब कुछ सही करना होगा, पुलिस हमारी सिर्फ एक गलती का इंतजार कर रही है। थोड़े दिन बाद जब वो थक जाएगी तो मैं तुझे तेरा शेयर दे दूंगा ना, ले जाना। सर आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलिए। हे, मुझे 50,000 रुपए चाहिए। अगर मूर्ति को पता चला तो? उसे पता नहीं चलेगा, मुझे एक अर्जेंट काम है। अगर आपके पास नोटों के सीरियल नंबर्स के रिकॉर्ड हैं तो उसे ट्रैक कर सकते हैं। सीरियल नंबर किसी ने नोट करके नहीं रखा था, यहाँ डेली बहुत सारा कैश आता है, अब सब मेंटेन कैसे कर सकते हैं? सर एक मिनट सर, आरबीआई से 500 के नए नोट आए थे कुछ दिन पहले, सिर्फ उसी के सीरियल नंबर है। अमाउंट कितना होगा? लगभग 50,000। नए नोट, लाइफ में अभी सब नया ही चलने दो, अच्छा रहेगा। हेलो कंट्रोल रूम, मैं जो कह रहा हूँ वो इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिए। बैंक में जो चोरी हुई उसमें 50,000 रुपए फ्रेश नोट थे, उसके सीरियल नंबर इस तरह से हैं। Series 3RC 528840, 2 Series 3RC 578839। ये नोट कहीं भी यूज में आएंगे तो फौरन इन्फॉर्म कर दो, पेट्रोल पंप, दुकान या बार में मिल सकते हैं, तुरंत इन्फॉर्मेशन पास कर देना। ये डिजाइन देखिए सर, दूसरा दिखाऊं मैं? हेलो सर, मैं एबीसी बैंक से बोल रहा हूँ, आपको लोन चाहिए? बिजनेस के टाइम में डिस्टर्ब मत कीजिए। ये लेटेस्ट मॉडल है सर। हाँ ओके, ये ठीक है ना? हाँ ठीक है। बिल बनाऊं क्या, कार्ड या कैश? कैश देता हूँ। कैश? हाँ कैश। बिल बना दो। ओके सर। हेलो
सर एक आदमी डुप्लीकेट लोट लेकर सोना खरीदने आया है, फौरन आ जाइए प्लीज। सर 10 मिनट जूस पियेंगे? कोई आगे नहीं आएगा, कोई आगे नहीं आएगा, काट डालूंगा इसे, काट डालूंगा इसे। मशीन में प्रॉब्लम है सर, नोट तो सही है। सारे नोट असली है ना सर? हाँ सब सही नोट है। 50,000 का कस्टमर था, फालतू में प्रॉब्लम हो गया। सर आपने एक बड़ी कैश के बारे में लीड ओपन करके छोड़ा। सर शोकेस को तोड़कर हल्ला कर रहा था, तो मैं क्या करता? ज्यादा चिल्लाओ मत, गवर्नमेंट के खर्चे पे सब बनवा देता हूँ। पहले वो सीसीटीवी दिखाओ। गुड, फेस क्लियर दिख रहा है। लघु फौरन इस लड़के का फोटो सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो। ओके सर। सर एक मिनट, इसे मैंने देखा है। आर यू श्योर? कहाँ? भास्कर की गैंग में। अबे रुक, तेरी तो भास्कर। ए, क्या हुआ? एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई। लेकिन हुआ क्या? कुछ मत बोलो, कभी पुलिस कभी भी आ सकती है। तुम मेरे साथ चलोगी कि नहीं बता? हाँ चलूंगी ना। मैं एक घंटे में कुछ पैसे लेकर आता हूँ, तुम तैयार? अरे रुक, लेकिन हुआ क्या है बता तो सही। कुछ परेशानी है, बाद में बताता हूँ। ये यहाँ क्यों आया था बता? ये यहाँ क्यों आया था? तुम कब आए? अभी आया, बहुत गर्मी हो रही थी इसलिए नहाने आया हूँ। तो फिर उसने जो कुछ भी कहा तुमने सुना नहीं क्या? नहीं सुना। तो वो क्या बोल रहा था बताओ, बोलो ना क्या हुआ? हाँ कौन? पुलिस? मैं अभी आता हूं। राजेश लेकर आए ये वही नेकलेस है ना? मुझसे पूछे बिना कुछ नहीं करना बोला था ना मैंने? हाँ मैंने उसे बोला था। अब तुम लोगों के भरोसे कुछ नहीं कर सकता मैं, सारा पैसा मैं ही रख लेता। उसको फोन तो लगा, उससे पूछ वो सेफ है या नहीं है, कहाँ है वो? The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त स्विच ऑफ है। जल्दी आएगा ऐसा बोला था उसने। मैं चाय पी कर रहा था। चाय सर? चाय क्यों, जहर पीना जहर। जा इतना हाफ क्यों रहा है और ये पसीने क्यों आ रहे हैं तुझे? कोई परेशानी हो गई है क्या, बोल ना। नहीं मूर्ति, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे तेरी कोई फिक्र नहीं है, तू जो पैसे लेके गया था उस बारे में पूछ रहा हूं मैं। पैसे लेकर गया था सोना खरीदने, वहां पर पुलिस आ गई। तेरी तो 1,000 बार समझाया था लेकिन तूने कुछ नहीं सुना बेवकूफ।
नहीं नहीं मूर्ति नहीं नहीं मुझे मत मारो मूर्ति 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 नहीं नहीं मूर्ति 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 नहीं मूर्ति। तुझे हर बार एक ही बात बोली थी ना कि जब तक पुलिस शांत नहीं हो जाती तो कुछ नहीं करेगा। ये ले। अब क्या सिचुएशन है? पुलिस पुलिस मुझे ढूंढ रही होगी। मरवाएगा ये। थोड़े दिन बाहर मत निकलना, मैं किसी दूसरे रूम का इंतजाम करता हूँ। नहीं मूर्ति, मैंने कुछ और सोचा है। मैं यहां से बहुत दूर जाना चाहता हूँ। मेरा हिस्सा मुझे दे दो, मैं चला जाऊंगा। पागल हो गया क्या तू? सिर्फ 50,000 रुपए लेके बाहर गया था तो पुलिस पीछे पड़ गई तेरे? सीरियल नंबर से ट्रैक करना आसान होगा और तू 40 लाख मांग रहा है? तेरे चक्कर में हम दोनों भी फंस जाएंगे। आगे क्या हो सकता है इस बात का अंदाजा है? तू तो उनकी नजर में आ गया, पर हम दोनों बचे हुए, हमारा तो सोच। hey, मैं उससे भी बड़ी प्रॉब्लम में हूं। मुझे जाना है यहां से, बस मुझे पैसे दे दो। इससे बड़ी प्रॉब्लम और क्या हो सकती है? कुछ बताएगा, बकवास करेगा? वो सब मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता। हमारी डीलिंग सिर्फ पैसों के लिए है, पर्सनल लाइफ में नहीं। देखो मूर्ति भाई, मुझे पैसे दे दो, मैं जाऊं यहां से। पैसों के लिए मना कब कर रहा हूं, पर बात को तो समझ। कादिर कहां है? वो चाय पीने गया। डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस ने पकड़ लिया तो भी नाम नहीं बताऊंगा। और ये कादिर जो है ना, सब कुछ बकतेगा, तुम इसकी वजह से ही फंसोगी मूर्ति। इधर देख, इन सब पे सीरियल नंबर हैं, इन्हें बदलना होगा, छुट्टा कराना होगा, वो भी बिना किसी को शक हुए। उसके बाद ही हम इसे खर्च कर सकते हैं। ये समझता क्यों नहीं है? मुझे इमरजेंसी है मूर्ति, मेरे खर्चे बहुत हैं। hey, मैं क्या हवा पानी पे जिंदा हूं? इतना पैसा हमारे सामने रखा है, ये हमारा ही है, इस बात को तू समझता क्यों नहीं है? और मेरी प्रॉब्लम के बारे में जानता ही क्या है तू? नहीं नहीं, वो सब मैं नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे दे दो बस। थोड़े टाइम रुक जा। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है मूर्ति। इतनी जल्दी क्या हो सकता है? ठीक है, तू मुझे सिर्फ एक दिन का वक्त तो दे, मैं बदल करके देता हूं। कल सुबह 6 बजे मेरा शेयर 40 लाख तैयार रहना चाहिए। 39,50,000 मिलेंगे। अपना ही लड़का है, थोड़े दिन पहले ही गैंग में आया है, बहुत जबरदस्त लड़का है। तो उसके बारे में सब कुछ जानते हो तुम? सर, छोटे भाई जैसा है, एक ही थाली में खाते हैं। भास्कर, जरा सोच समझ के जवाब दे। हे भास्कर, बहुत बड़ा आदमी हो गया आजकल। हाँ, जहां नहीं होना चाहिए वहां भी तेरे हाथ हैं। अब मेरा तो उम्र हो गया है सर, अपने लड़के इधर उधर हाथ साफ कर लेते हैं, मैंने उन्हें फ्री छोड़ दिया है। बस कर भास्कर, जेब काटता था तब से जानता हूं तुझे। वो सब छोड़ दिया सर, अब एक डिसेंट लाइफ जीता हूं। मैंने शादी भी कर ली है सर, मेरी एक वाइफ है, फैमिली मैन भास्कर। ये देखिए, तू गलत कर रहा है। देखो मूर्ति, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे समझ में आ रहा है, बैग रख नीचे, चल छोड़। नहीं,
बात सर के ऊपर निकल गई है। मैं जो कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन ए, जय अच्छे से रहना। क्यों रे तू सारा पैसा लेके जा रहा है? मैं सच कह रहा हूं सर, वो बैंक लूटने के बारे में मुझे कुछ नहीं पता सर। मैं अपनी बीवी की कसम खाता हूं सर। वो यहां पर कब आएगा? मालूम नहीं सर, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। वो तो मेरे घर भी आया था, मुझे देखते ही वहां से भाग गया। आप दोनों आए शायद ये बताने के लिए आया हो। सुनो वो सीसीटीवी फुटेज इसे दिखाओ। अरे बाप रे सर, ये देखने में तो कितना शरीफ लगता है सर। ये नेकलेस तो मेरे घर में था सर, मां के हाथ में देखा था सर। ये मां कौन है? मेरी बीवी है सर। ये एक ही थाली में खाने की बात अब जाने दो, वो आए तो शराफत से इन्फॉर्म कर देना मुझे। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपको बहुत ज्यादा लगी है। मर भी जाता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे बारे में इंक्वायरी की, मैंने तुम्हें बताया था ना, तू अपनी तनख्वाह में से आधा पैसा वार्डन मनी को भेज देता है। तभी मुझे यकीन हो गया तुम गलत इंसान नहीं हो सकते। सत्या, मैंने सुना कि तुम्हें चोट लगी है, तुम ठीक तो हो ना? ए सत्या, तुम चाहो तो वहां साइड में जाकर बात कर लो। सॉरी बेटी, हम में डिसेंसी नहीं होती है, ऐसा मत सोचना। सॉरी, एज यू कैन सी आई कांट वॉक। सत्या जा। कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? मैं बहुत डर गई थी सत्या। नहीं ऐसा कुछ नहीं। तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया है ना, तो फिर पुलिस का काम क्यों कर रहे हो? हम्म।
आपके पति की डेड बॉडी कब मिलने वाली है? रोना बंद कर। मेरा हाथ ठीक रहता तो मारकर तेरी कंपट्टी फोड़ देता। आपको ढूंढने के लिए गया था। इसे इज्जत क्या दे रहा है तू? तुम्हें ढूंढते हुए वो पैसों के साथ ही वापस आएगा, तो तुम हमें इन्फॉर्म कर देना। ए, देख, 5-6 साल उसे जेल में रहकर आने दे। आने के बाद तुम दोनों आराम से रहना। अभी तो तेरा मर्द भी नहीं है ना। क्या बच्चे की तरह चैंग यहीं 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 करके बोल रही है? आएगा तो उसे भेज देना। वैसे भी जाएगा कहाँ? ठीक से पकड़ना। चिचाय को क्यों मारा आपने? अगर मैं उसे नहीं मारता तो पैसों के लिए वो हमें कभी भी मार सकता था। मैंने तुझे बोला था ना, वो मुझे मारकर पैसा लेके भागना चाहता था। तो बता फिर मैं और क्या करता? और कोई चारा नहीं था, इसलिए मुझे शूट करना पड़ा। तू यकीन कर या ना कर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये कादिर जो है ना, सब कुछ पकतेगा। तुम इसकी वजह से फंसोगे मुक्ति। इस आदमी की बात सुनकर तू बर्बाद होने वाला है। देर। हाँ भाई। देख, अब जय तो रहा नहीं, तो मैं तुझे एक्स्ट्रा पैसा दूंगा। अब मैं तुझे 25 लाख दूंगा, लेकिन तुझे मुझे एक प्रॉमिस करना होगा। किसी भी हालत में पुलिस को भनक नहीं लगनी चाहिए, उनके पकड़ में मत आना। कादिर, तू सुन रहा है? कादिर। ठीक है भाई। मैं गुस्से में सारा पैसा अपने साथ लेकर आ गया। तू आज ही रात आकर अपना शेयर ले जा। मैं जहां बताता हूं वहां पहुंच जाना। नहीं करूंगा। तुझे क्या लगता है मैं तुझे भी शूट करूंगा? मुझ पर यकीन तो रख, ऐसा कुछ नहीं है। बात सुन, जय ने मुझे तेरी फैमिली के बारे में बताया था। तुझे जितना चाहिए उतना पैसा देता हूं ना तुझे। तू सिंगापुर में जाके काम करना चाहता है, अपनी छोटी बहन की अच्छी जगह शादी करवाना चाहता है, अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहता है, ठीक है ना कादिर? सर, बैंक रॉबरी केस की जांच करने वाले ऑफिसर से मिलना है मुझे। क्यों मिलना है? कौन हो तुम? गवाही देने आया हूं। इस केस में पहले ही एक शख्स को ढूंढ रहे हैं, जय।
अभी जय कहां पर है? मर गया वो। कैसे? इसीलिए मैं सरेंडर कर रहा हूं। मूर्ति ने जय को मार दिया, गोली मार दी। तो वो तीसरे शख्स का नाम है मूर्ति। हाँ। क्या हुआ और वो मूर्ति कौन है, साफ साफ बता। पैसे की लालच में मैं उन दोनों के साथ मिल गया था सर, और बैंक में चोरी करने गया, लेकिन उस मूर्ति ने एक छोटी बच्ची को गोली मार दी। उससे पूछा तो बोला गलती से लग गई। वो पैसे के लिए पागल हो गया था सर, जरा भी रहम नहीं था उसके अंदर। जय को पुलिस पकड़ने ही वाली थी कि तभी उन दोनों में झगड़ा हो गया, उसने जय को भी गोली मार दी सर। ए, अभी जय की बॉडी कहाँ है? निशानी बता सकता है क्या? हाँ बताऊंगा सर। उसके बाद? कल रात से मूर्ति मुझे भी मारने की सोच रहा सर। रायपेट में मुझे पैसा लेने के लिए बुलाया था, मैं गया तो उस सुनसान जगह में मुझे देखकर पागल हो गया था सर। उसे देखकर ऐसा लगा कि वो मुझे जान से मार डालेगा सर। उसके बाद उसने तुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की? फोन करके बोला कि तुझे मारूंगा नहीं, बहुत अजीब तरीके से बात कर रहा था सर। अब वो पैसा भी नहीं मांग रहा है। मूर्ति ऐसे कैसे बदल सकता है सर, उसे मेरे बारे में सब कुछ पता है सर। जय ने उसे बताया होगा, वो मुझे मार देगा, वो मेरे परिवार को भी नहीं छोड़ेगा। वो बहुत खतरनाक है सर, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। प्लीज आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए सर। कादिर तू डर मत, उस मूर्ति को मैं ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ हूं। आने वाले एक घंटे में उसे अरेस्ट कर लेंगे, तुझे उसके बारे में और क्या क्या पता है सब कुछ बता दे। उसके बारे में और कुछ नहीं मालूम सर, मैं पूरी रात सोचता रहा सर। उस मूर्ति ने अपनी सारी डिटेल्स कहीं छुपा दी है, इतने दिन मैं साथ रहा, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। hey, उसका नाम मूर्ति है ना, तो गलत भी तो बता सकता है। उसका नाम मूर्ति ही है सर, मैं सच कह रहा हूं, मैंने उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी देखा था। उसका फोन नंबर है ना, फोन कर। सत्य रुकिए सर, उसे फोन कर और नॉर्मल बात कर, उसको बोल कि पैसा लेना है, मिलना है। हाँ हेलो कादिर। हेलो मूर्ति भाई। हाँ कादिर, अब मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुन। मूर्ति भाई मैंने रात भर सोचा, आप जैसा बोल रहे हो मैं वैसा ही करूंगा भाई। अच्छा सोचा तूने, पर तू पहले प्रॉमिस कर। प्रॉमिस करता हूँ भाई, कुछ भी हो जाए मैं पुलिस के पास बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, पैसा कब लेगा तू? ठीक है फिर एक घंटे बाद, जहां हम लोग रोज मिलते थे वहीं टी शॉप पर भाई। सर सबको रेडी होने को कहिए। सब रेडी है ना? ओवर। हम सब रेडी हैं सर, ओवर। हेलो मूर्ति भाई। कादिर मैं आ गया हूं, तू कहां है? कहां हूं भाई? मैं तो यहीं हूं, मैं तुझे देख रहा हूं। दिख नहीं रहे हो भाई। अरे तू 2 फीट थोड़ा आ गया। हाँ? और जरा ऊपर देख किधर। अरे किसने मारा? सर तीनों के तीनों बुलेट्स वही हैं,
और वेपन सत्या का है सर। पांडियन क्या समझ के रखा है, इतने बिजी रोड पे किसी ने शूट किया? क्या काम कर रहे हो तुम लोग? बाहर कितने चैनल वाले खड़े हैं, उन लोगों को आप क्या जवाब देंगे? बताओ इन सब काम के लिए इसे साथ में लेकर क्यों घूम रहे हो? पूछने वाला कोई नहीं यही समझ रखा है ना? कोई रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो तुम लोग। सर रूल्स हम जानते हैं। पांडियन पहले से ही बहुत परेशानियां हैं, इसके बाद ये लड़का तुम्हारे साथ दिखना नहीं चाहिए। सर कादिर के कॉल डिटेल्स चेक करने के बाद पता चला है कि ये नंबर जय का ही है। जय के नंबर से ही उसे कॉल किया गया था जो अभी बंद हो चुका है। सिम कार्ड लिए हुए कितने दिन हुए? 2 महीने हो गए सर। बहुत सफाई से काम किया है ताकि हमें कोई क्लू ना मिले। कॉल रिकॉर्ड से ट्रेस करके बात करने के लिए एक सिम कार्ड लो उन लोगों के नाम से। सर वो सिम कार्ड किसके नाम पे? सत्य तुम बीच में मत बोलो समझे। तुम्हें साथ रखा इसलिए मैंने भी दो बातें सुनी। रहने दो अब तुम यहां मत रुको, निकलो यहां से। डोंट लुक एट मी लाइक दैट। तुम्हें सही ढंग से सोचना चाहिए था, मरने नहीं देना चाहिए था उसे। एक कितना जरूरी एविडेंस था, वो कितना सीरियस मैटर है। उसे हिफाजत देकर मूर्ति के पीछे लगाकर यह गलती नहीं करनी चाहिए थी। पर तुमने क्या किया पता है? आई एम सॉरी सत्या, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे होशियार रहना था। मैंने इसे क्यों नहीं बचा लिया ऐसा ही सोच रहे हो ना? ऐसा कुछ नहीं है सर। फिर निकल जाओ, गुड बाय। पापा बात क्या है? पापा आज तेरी मां का जन्मदिन है बेटा। ये बिजली का बिल पापा को दे दो भरने को। आज मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, तो मैं आज कहीं और जाऊंगा। आज बिल भरने की लास्ट डेट है, कल से 150 रुपया फाइन लगेगा, हमारे ही पैसे जाएंगे। तुम्हारे पापा तो वैसे भी कुछ पैसे कमाते नहीं हैं। हाँ हाँ ठीक है, अंदर है क्या? हाँ अंदर मिल लीजिए साहब। बैठो मूर्ति। कहो कैसे आना हुआ? काम के बारे में इंक्वायरी कमीशन को कुछ लिख रहा हूं सर। क्या लिख रहे हो बताओ? इस लेटर में मैंने सब कुछ लिखा है। मैं कांस्टेबल कृष्णमूर्ति इंस्पेक्टर गुनाजी के कंट्रोल में इतने सालों से अपनी ड्यूटी करता आया हूं। मैंने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाई, जो भी हुआ हालात की वजह से हुआ है। सर वैसे उस बैंक रॉबरी केस का क्या हुआ? पेपर में हर दिन न्यूज छप रही है उसकी। अरे हाँ मूर्ति, अपने स्टेशन के एसआई ने लापरवाही से अपनी गन गुमा दी है। तो सर वो पैसा तो पकड़ा जाएगा ना? क्या पता, उसका कोई चांस नहीं लगता है। लेकिन नोट के सीरियल नंबर को लेकर तो उसे पकड़ ही सकते हैं। मूर्ति भाई ये सब इतना आसान है क्या? नोट के सीरियल नंबर को किसी ने नोट ही नहीं किया। और तुमको पता है 50,000 के नए नोट आए थे, आरबीआई के पास उसका रिकॉर्ड है। वो लेकर एक आदमी ज्वेलरी की दुकान पर गया और पुलिस को पता चल गया। उस ज्वेलरी रेट के बारे में पेपर में पढ़ा था मैंने। पेपर में तो रॉबरी केस आया था, इसका लिंक किसी को भी नहीं पता, सिर्फ डिपार्टमेंट को ही पता है। ओह। कल भी कोयम्बटूर में एक हत्या हुई, उसका भी लिंक इसी मैटर से है। मीडिया वाले नाच रहे हैं, पुलिस वाले सब कुछ जान के भी तड़पा रहे हैं। अरे रे रे, मतलब इस बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है? हैं? अगर वो लड़का नहीं मरता तो ये बैंक किसने लूटी थी इसका तो पता चल ही जाता ना सर। और एक बात बताऊं क्या? क्या सर? किसी को बोलोगे तो नहीं? मैं क्यों बोलूंगा सर। 3 लोग थे, उसमें से 2 मर गए और जो मेन था उसने दोनों को मार दिया, और मरने से पहले उसने मेन बॉस का नाम बता दिया। अच्छा, उसने उसका क्या नाम बताया सर? वो नहीं पता है भाई, उसे सीक्रेट रखा गया है। यस कम इन। क्या हुआ?
सर आज मेरी इंक्वायरी है। ओ, लेटर में साइन चाहिए क्या? तेरा भी क्या नसीब है, मेरे साथ काम करना शुरू किया और सस्पेंड हो गया। सत्या, तुम भी इंक्वायरी में जा रहे हो ना, इन्हें भी वही जाना है, इसके साथ ही चले जाइए। सर आपने अपना नाम क्या बताया? कृष्णा। सर सॉरी सर, मैं आपसे कुछ बात नहीं कर पाया, ऐसे ही चुपचाप आ गया। कोई बात नहीं, आप ऐसा लग रहा है जैसे किसी परेशानी में हो। मूर्ति। हाँ वेंकटेश, मैं आ रहा हूं। सर आपका नाम कृष्णमूर्ति है क्या? हाँ पूरा नाम यही है, लेकिन हर कोई मुझे कृष्णा के नाम से ही बुलाता है। क्यों, क्या बात है सर? नहीं कोई बात नहीं, उस नाम के बारे में मैं कुछ सोच रहा था। आप जाइए। सत्या, मुझे क्या हुआ था? सर कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। मेरा बैग, मेरे पास जो बैग था वो ये रहा। क्या हो गया था मूर्ति भाई? लगता है आपको चक्कर आ गया था। साहब ही आपको बाहर से उठाकर यहां ले आए, 2 घंटे से आपके पास ही बैठे हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको इतनी तकलीफ हुई उसके लिए सॉरी। अरे कोई बात नहीं सर, मेरी वजह से आपका दिन खराब हो गया, सॉरी। मैं तो वैसे ही फ्री हूं सर, आप कुछ खाएंगे क्या? नहीं कुछ नहीं। क्या हुआ है आपको, बार बार ऐसे ही गिरते हैं? डॉक्टर को दिखाया नहीं आपने? नहीं कुछ नहीं हुआ, बस सुबह खाना नहीं खाया था, खाली पेट हूं सर। मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूं क्या? सर हम साथ बैठ के चाय पीते हैं ना। आपके लिए क्या लाऊं सर? मुझे एक चाय, इनसे पूछ लो। ब्लैक टी बिना शुगर के। ओके सर। फिक्र मत करो सर, आपको जल्दी काम मिल जाएगा। मुझे क्या प्रॉब्लम है ये आपको नहीं पता सर, मेरा नाम थोड़ा खराब हो गया है, मुझसे एक रिवॉल्वर गुम हो गई है और उससे एक बच्ची मारी गई है। सर तो इसमें आपकी क्या गलती है, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? कैसे मिलेगा वो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पहले भी जो नहीं किया उसके लिए सालों सजा काट चुका हूं, और मैंने गलती नहीं की इसके लिए इंक्वायरी कमीशन बिठाई है। हमेशा गलती कोई और करता है और सजा मुझे भुगतनी पड़ती है। इंसान की जिंदगी में ऐसा होता है सर, सुकून की तलाश में आधी जिंदगी गुजर जाती है। कोई भी शख्स अच्छी जिंदगी जीने की सोचता है लेकिन फिर वो आधे में ही छोड़कर चला जाता है। मुझे भी पूरे 5.5 साल हो गए हैं सर, क्या कर सकते हैं। सर हाँ एक सवाल पूछता हूं, गलत मत समझिएगा,
आपकी नौकरी कैसे चली गई? बताना है तो बताइए, वरना मत बताइए। उमेश यादव बहुत बुरा आदमी था। उस वक्त मैं एक कांस्टेबल हुआ करता था। ये बात करीब 10 महीने पुरानी है, जब अचानक एक रात को एक आदमी ट्रांसफार्मर के पास शराब पीकर झगड़ा कर रहा था। हमें फोन आया तो हम अरेस्ट करने वहां पहुंच गए। उसने अचानक तैश में आकर बियर की बोतल तोड़कर बाजू वाले का हाथ काट दिया। एक रात उसे सेल में रखा ये सोचकर के सुबह हम लोग उसे छोड़ देंगे। वो बहुत बड़बड़ कर रहा था। हमें तब शक हुआ कि वो नेक्सलाइट हो सकता है। हमें उसे कोर्ट में पेश कर देना चाहिए था, लेकिन टीम ने ऐसा नहीं किया। सोच रहे थे इसके जरिए कोई बड़ा सुराग हाथ लग सकता है। उसे पूछताछ की तो उसने बताया कि शहर के बाहर हथियारों का कोई बहुत बड़ा जखीरा उसने छुपा के रखा है। मैंने और गुना ने उससे कहा कि वो जगह हमें दिखा दे तो हम उसकी सजा कम करवा सकते हैं, पर वो काफी चालाक था, हमें चूना लगा के भाग गया सर। इससे पहले गुना के पास एसआई का फोन आया था और वो कह रहे थे कि जल्द से जल्द उस आदमी को मेरे पास लेकर आओ, मैं उससे बात करता हूं। उसके भागने की बात छिपाना जरूर था, डिपार्टमेंट की इज्जत का सवाल था, तो वो गुना मैंने अपने सर ले लिया। मुझे सस्पेंड कर दिया पर आश्वासन दिया गया कि मुझे वापस नौकरी पर रख लेंगे, पर आज तक वो दिन वापस नहीं आया है सर। बाद में पता चला कि वो आदमी बहुत ही खतरनाक था। पूरे स्टेट की पुलिस उसकी तलाश में थी और उसका बहुत बड़ा नेक्सस था, और डिपार्टमेंट ने मुझ पर ये इल्जाम लगा दिया कि उसको भगाने में मेरा हाथ था। तब से आज तक मैं अपना सस्पेंशन हटाने के लिए चक्कर लगा रहा हूं सर। गुना पर एक्शन नहीं लिया गया? उसे बस यहां के पुलिस स्टेशन से कहीं और ट्रांसफर कर दिया गया। मुझे इतना ही मालूम चला कि वो नेक्सलाइट्स के साथ कोई डील करके ही अपने आप को बचा पाया था। मेरी जिंदगी में तो अब सिर्फ अंधेरा ही बचा है सर। सबको सलूट मारता था लेकिन कुछ नहीं हुआ। पगार के ऊपर कभी 1 रुपया रिश्वत नहीं लिए सर मैंने। शायद सब इसलिए मुझसे नफरत करते थे। मेरे अपने बच्चे भी मेरी इज्जत नहीं करते। सब हमेशा यही बोलते रहते हैं कि अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, सब तुम्हारी इज्जत करेंगे, सम्मान देंगे, पर ये सब बकवास है। अब अगर कोई मेरे सामने आकर ये बात दोबारा दोहराए तो मैं उसे जूतों से मारूंगा सर। सर आपके बीवी बच्चे? मेरी बीवी एक देवी थी सर, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून, सबसे बड़ी राहत। मुझ में चाहे 1000 गलतियां क्यों ना हो, पर उसने हमेशा मेरा साथ दिया। 30 साल तक मेरा साथ निभाया उसने, मेरे 2 बच्चों को जन्म भी दिया। अब मुझे यही चाहिए था सर। उसने मुझसे जिंदगी भर कभी किसी चीज की डिमांड नहीं की सर। मेरी छोटी सी पगार में भी बिना शिकायत के वो पूरा घर चलाया करती थी, और उसकी वजह से मुझे भी कभी कोई फिक्र नहीं हुई। वो जब तक मेरे साथ थी मैं एक राजा की जिंदगी जिया, और फिर वो भी चली गई। वो चली गई, मुझे अकेला छोड़कर चली गई। सॉरी सर, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। कोई बात नहीं सर, आज उसका जन्मदिन है सर। उन्हें क्या हुआ था सर? वो गुजर कैसे गई? उसकी मौत का जिम्मेदार भी मैं ही हूं सर। उसे डायबिटीज थी और उम्र के साथ उसकी डायबिटीज बहुत बढ़ गई थी। उसके मेडिसिन की क्वांटिटी बढ़ गई थी, उसे हर रोज इंसुलिन देना पड़ता था। इस बात का मुझे पता ही नहीं चल पाया, मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन मैं पुलिस स्टेशन और केसेस में ही उलझ कर रह गया। और एक दिन उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई,
उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। उसकी हेल्थ पहले से बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। पता चला कि उसने पिछले 6 महीने से कोई दवाई नहीं ली। आईसीयू में फेस मास्क से उसे कवर कर रखा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और पूछा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? बोली, घर का खर्च बढ़ गया है, बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी पढ़ाई का खर्च बढ़ गया है, उनकी फीस बढ़ गई है। ये सब उसने मुझे पहले नहीं बताया था। उस देवी ने अपनी दवाइयों पे पैसे खर्च नहीं किए, बल्कि घर के लिए बचाए। जरा सोचिए, उसने मुझे इस बात का पता भी नहीं चलने दिया, जबकि मैं उसका पति था। घर के बारे में, उसकी तबीयत के बारे में, सब कुछ हाथ से रेत की जैसे फिसल गया। वो चली गई। हमारे देश में जितनी तेजी से महंगाई बढ़ती है, उतनी तेजी से कभी पगार नहीं बढ़ती किसी की। अभी आप अपने बेटे के साथ ही रहते हैं? 15 दिन अपने बेटे के साथ और 15 दिन अपनी बेटी के साथ। आज मैंने अपने बेटे से कहा कि उसकी माँ का जन्मदिन है, तो उसने मुझे घूर के देखा और चला गया। ऐसा लग रहा था वो ये कहना चाहता था कि अपनी बीवी की मौत का कारण मैं ही हूं। आप ऐसा मत सोचिए सर। नहीं, मुझे मेरे बच्चों से कोई शिकायत नहीं है। मुझे अच्छा खाने पीने को देते हैं, पर अफसोस सीधे मुंह बात नहीं करते। उनकी गलती नहीं है। बचपन में मैंने भी उन्हें कोई बहुत बड़ी चीज दी हो ऐसा मुझे याद नहीं आता। उन्हें गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाया। लड़का इंजीनियरिंग करना चाहता था, लेकिन मैंने उसका एडमिशन BSc कंप्यूटर में करवा दिया। मेरे बच्चे अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे सर। माँ को देखते ही वो दोनों खुश हो जाते थे। पर देखिए, बाप की भी मजबूरी है। घर खर्च और रोजी रोटी के लिए उसे बीवी और बच्चों को बिना टाइम दिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। सर, मैंने आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, सॉरी। कोई बात नहीं सर। और कुछ लेंगे क्या सर? नहीं, मुझे तो नहीं चाहिए। बिल दे दूं सर? हाँ दे दो। अरे सर, सर मुझे दीजिए, मैं देता हूँ, प्लीज रुकिए। सर, लोग मुझे काली जबान का आदमी कहते हैं। मैं जो बोलता हूँ वो सच होता है। आप अपने रिवॉल्वर ढूंढ रहे हैं ना? वो आपको बहुत जल्द ही मिल जाएगी सर। सर कसम से मैं सच बोल रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन लगेंगे, देखना। वो रिवॉल्वर खुद आपको ढूंढते हुए पहुंच जाएगी। सर आपका नंबर दे दीजिए ना। नंबर 984। आगे सर। सर मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है, मुझे फौरन निकलना पड़ेगा। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। सर क्या प्रॉब्लम हो गई सर? नहीं प्रॉब्लम कुछ नहीं, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ सर। नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा। सॉरी। ओए, तू यहीं पर है, मुझे अच्छे से पता है, इज्जत से बाहर आ जा। तुझे जो चीज दी थी उसे अच्छे अमाउंट में बेचकर तू सेटल हो गया, और पुलिस मुझे ढूंढ रही है। तेरी वजह से मैं अपना सर छुपा कर जी रहा हूं। देख, इज्जत से बाहर आ जा, कोई परेशानी नहीं है, हम लोग आपस में डील कर लेंगे। मुझे एक अमाउंट दे दे, डील खत्म हो जाएगी, समझा? गया
जवाब दे बुड्ढे, क्या समझता है अपने आप को? सीधी तरह से बाहर निकल, वरना पुलिस के पास जाऊंगा, तेरा पूरा पैसा चला जाएगा। कितनी मेहनत करके प्लान किया होगा बुड्ढे। कोई बात नहीं, जिंदगी भर जेल में ही सड़ते रहना। क्या डील ओके ना? एक ही पेमेंट 25 लाख रुपया। तो ये ले कैश। तुमसे थोड़ी बात करनी थी, टाइम है क्या? मुझे माफ कर सकती हो सत्या? आज मैं एक शख्स से मिला, ऐसा लगता है कि भगवान ने उन्हें मेरे लिए भेजा था। उनकी बीवी मरने के बाद उनकी क्या हालत हुई, जिंदगी उनकी पूरी तरह से मायूस हो चुकी है। तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? हेलो रघु भाई। सत्या जल्दी आओ। तुम्हें कहा किसने आने को कहा? मैं आपको देखने आया था सर। अपने सेंटीमेंट्स मत दिखाओ। ये कौन है सर? मूर्ति, ज्वेलरीज की लूटपाट, ऐसे बहुत सारे केस हैं इस पर। 2 साल जेल में भी था, अचानक अपना पेशा बदलकर ये बिहार चला गया था। वहां छोटे मोटे काम करता था और 6 महीने पहले चुपचाप यहां चला आया। अभी रिसेंटली 2 लड़कों को रखकर कोई बड़ा प्लान बना रहा था। सर सर मैंने कुछ नहीं किया है सर, सच कह रहा हूं सर। उस लड़के को लेकर आओ। किसे सर? मूर्ति हमेशा टी स्टॉल में किसी लड़के से मिलता था, यही वो लड़का है। क्यों रे, दुकान में इसी आदमी को देखा था ना? ये नहीं है साहब। ठीक से देखकर बता। नहीं साहब। हे, तूने ही तो बताया था ना, जिस आदमी को तूने देखा था वो टकला है। नहीं साहब। तो अभी ना क्यों बोल रहा है? ऐसे डराओगे तो लड़का कैसे बोलेगा? क्या मालूम सत्या, सर कल से पागलों की तरह बिहेव कर रहे हैं। देख बच्चे, तू किसी बात के लिए डर मत, अगर तुझे कुछ याद आता है तो सीधे सर को फोन करना और सब कुछ उन्हें बता देना। साहब मुझे वो आदमी बराबर याद है, वो कभी भी आएगा तो ब्लैक टी पीता है। अच्छे से याद है? अच्छे से याद है, अकाउंट बुक में भी लिखा है। मैं भूलता नहीं साहब, जब भी आता है 2 चाय और 1 ब्लैक टी मांगता है। अच्छी एक्टिंग कर रहा है ये सत्या, यही है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता सर। मैंने बोला ना, तुम्हें सब कुछ पता है, तुम मुझसे बड़े जो हो। हेलो। हाँ ठीक है, तुमने जो बोला वो सही है,
ये वो आदमी नहीं है। कोई भी क्लू? कुछ नहीं मिला सर। ऐसे कैसे कुछ नहीं, इतना बड़ा मैटर हुआ है, कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा, कुछ तो बताना चाहिए था ना। सर उसके पास कोई वेपन्स नहीं है, मैंने उसका सेलफोन भी चेक किया है सर। इंसिडेंट से पहले उसने किसी से भी फोन पे बात नहीं की सर। सर टॉयलेट के अंदर बॉडी मिली है, कोई विटनेस भी नहीं है सर। और किसे? 5 लाख तुम्हारे लिए और 5 लाख मैं चाहता हूँ कि प्रकाश रख ले। थैंक्स पापा। ए तुम भी पापा बोल रही हो? हाँ मेरे भी पापा ही है ना, मैंने कभी इन्हें ससुर जी माना ही नहीं। बेटा और बेटी दोनों को बराबर समझकर 50-50 शेयर दिया है। यू आर सिंपली ग्रेट अंकल। एक और बात, एक और एफडी थी जो मैंने और तुम्हारी माँ ने एक साथ करवाई थी, उसमें करीब 2 लाख होंगे। वो एफडी भी अब मैच्योर हो चुकी है। मैं सोच रहा था कि वो पैसा मैं राकेश के नाम कर दूं। मुझसे जितना बन पड़ा उतना मैंने किया। थैंक्स पापा। एक बात और बताना चाहता हूं मैं, मेरा एक पुराना दोस्त है, उसका नाम है प्रभु। प्रकाश भी उसे अच्छी तरह जानता है। एक बार मैं तुम्हें उसके घर लेके गया था। हाँ कोयम्बटूर की पहाड़ियों में नीचे तलहटी के पास उसने एक ओल्ड एज होम शुरू किया है। दिल कर रहा है कि कुछ दिन मैं वहां रहूं। क्यों पापा, क्या हम आपका ख्याल नहीं रखते? छे ऐसी बात नहीं है बेटा, उसको थोड़ी मदद मिल जाएगी और मेरा भी वहां दिल बहल जाएगा। तुम लोग दिन भर ऑफिस में रहते हो और दिन भर मैं यहाँ घर में अकेला रह जाता हूँ। पापा। प्रकाश पापा को अगर अच्छा लगता है तो थोड़े दिन रहकर आने दो। खर्चे के लिए पैसे चाहिए तो मांग लीजिएगा। नहीं नहीं बेटा अब जरूरत नहीं होगी, एक और छोटी सी एफडी है उसमें करीब 1 लाख है, इतना ही काफी है मुझे। और 1 लाख? प्रकाश पापा ने बहुत सारे पैसे इधर उधर छुपा के रखे हैं। पीएफ अमाउंट इतना आएगा मैंने सोचा नहीं था, ऑफिसर ने कितना चक्कर कटवाया। लेट ही सही लेकिन दिया तो सही, शुक्र मानो। कैसे? मैं तुम्हारे साइन लेने आया हूं। ए, पागल हो गया है क्या? चल बाहर निकल। चेन्नई का हत्याकांड केस। इस केस में थोड़े दिन पहले बैंक डकैती में मर्डर करने वाला खूनी लगातार खून पे खून किए जा रहा है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाई है। उस कातिल का मकसद क्या है? क्या वो कोई साइको है या फिर वो पैसों के लिए ये सब कर रहा है, या इन सब से अलग वो कोई उग्रवादी है? पुलिस इस केस की जांच में जुटी हुई है। शक करने जैसा कुछ है क्या? कुछ नहीं सत्या, सब रेगुलर ऑफिस फाइल्स ही हैं। ये कैसी फाइल है? ये तो पीएफ क्लियरेंस फाइल है और कुछ नहीं। जरा दिखाना। क्या राजा सर कल ही तो साइन किए थे ना? उस ऑफिसर का भी मर्डर हो गया सर। वही मैटर अभी खत्म हुआ है, अब इसके बाद एक नए ऑफिसर आएंगे, वो आकर सेट होंगे, फिर किसी तरह से 2 महीने लग ही जाएंगे। आपके तो बहुत नजदीकी है ना, ये चेक लेकर दे दीजिए ना। कृष्णा सर हैं क्या? पापा को सब मूर्ति मूर्ति कहकर बुलाते हैं, आरती को इस बात का पता ही नहीं है। सॉरी आरती। 2 मिनट, कॉफी बना रही हूँ। हाँ बोलिए ना सर। सर का पीएफ क्लियरेंस हुआ है, उनका चेक देने के लिए आया हूँ।
सर आपसे कोई मिस्टेक हुई है लगता है, पापा का पीएफ अमाउंट तो कल ही क्लियर हो गया है। 10 लाख रुपए। बेटा चुप रहो तुम। 10 लाख्स? पीएफ अमाउंट उतना नहीं होना चाहिए सर। क्यों नहीं सर, होना चाहिए। सर इस पीएफ अमाउंट के लिए पापा कितने दिनों से चक्कर काट रहे थे, तब मिला। ओके सर, आई थिंक आपको गलत फहमी हो गई है, ये चेक किसी और मूर्ति के नाम का होगा। चांस ही नहीं है सर, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं परेशान करने नहीं आया। कृष्णा सर सॉरी मूर्ति सर को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं उनकी मदद करने के लिए आया था। इफ़ यू डोंट माइंड वो चेक मुझे ज़रा दिखा सकते हैं? वो चेक देख लूँगा तो कौन सा मूर्ति जी का है वो पता चलेगा। चेक तो नहीं लाए, वो कैश लेकर आए थे। कैश? हाँ सर। 10 लाख रुपए? हाँ सर। मुझे 2 लाख दिए। तुम चुप रहो ना। अरे चलना। सर ब्लैक में कितना है सर? पकड़, 5 लाख है। अरे ये क्या? ये कौन है? डरने की जरूरत नहीं है, अगर सब लोग 5 मिनट तक चुप रहेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। इसमें कितना कैश है? 5 लाख। इसमें डाल दे। मुझे बस इतना ही चाहिए, मुझे तुम लोगों के पैसों की जरूरत नहीं। तुम सब जाकर अपनी फैमिली के साथ खुशियां मनाओ। अरे अब ताली तो बजा दो। साइलेंस। आपके पापा को कैंसर है ये आपको पता भी नहीं था? सर मूर्ति घर की तरफ जा रहा है। मिस्टर सत्या, आखिर में वहां क्या हुआ था? मूर्ति गन नीचे फेंको, नहीं तो बच्चा नहीं बचेगा। आंडियन तू ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूं, बच्चे को बीच में से हटा दे। राकेश, राकेश सर, राकेश सर, सर पांडियन सर, सर
से डरा रहा था कि बच्चे को शूट कर दूंगा, लेकिन गलती से गन चल गई। सर, राकेश, राकेश, राकेश। की जगह पर आईपीएस पांडियन को गोली लग गई और आपने खुद को बचाने के लिए गोली चला दी, है ना? हाँ सर। तुम्हारी बंदूक भी मूर्ति के पास थी, है ना? उसमें से 7 बुलेट्स को मूर्ति ने यूज किए सभी खून करने के लिए, और लास्ट बुलेट को आपने यूज किया उसे मारने के लिए। हाँ। आपके ऊपर जितने भी इल्जामात थे उसे खारिज किया जाता है और कमेटी सरकार से सिफारिश करेगी कि आप ड्यूटी पर ज्वाइन हो जाएं। तुम्हें जॉब वापस मिल गई ना, अब तो थोड़ा हंस दो। क्या सोच रहे हो सत्या? नहीं कुछ नहीं। उस मूर्ति के बारे में? देखो सत्या, ज्यादा सोचो मत, ये सब एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। क्यों सत्या, तू मुझे नहीं, मुझे नहीं मारना चाहता क्या? क्या है सर ये? सत्य, मुझे लास्ट स्टेज लंग कैंसर था, मैंने क्यों अपने बच्चों को नहीं बताया? क्योंकि एक दिन अपने बच्चों को बात करते सुना कि मां रहती तो अच्छा अच्छा खाना बना कर देती, बच्चों की देखभाल करती, हमें आराम मिल जाता। ऊपर वाले ने मां की जगह बाप को क्यों नहीं उठा लिया? जब पता लगा कि मुझे कैंसर हो गया तो मैं बहुत खुश हुआ था। खुद के ट्रीटमेंट के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि मैं जिंदगी से हार चुका था। सोचा जो थोड़े दिन बचे हैं उन्हें तो खुशी खुशी जी लूं,
मैं एक शेर की मौत मरना चाहता था, पर अभी कुछ और ही हो गया। मैं पांडियन को बिल्कुल भी नहीं मारना चाहता था सत्या, बस हड़बड़ाहट में गोली चल गई और सीधा उसको लग गई। लेकिन राकेश का नसीब अच्छा है, इसलिए वो बच गया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बहुत तकलीफ उठाई है सत्या। अगर तू मुझे अरेस्ट करके ले जाएगा तो मेरे बच्चों के ऊपर क्या बीतेगी, वो तो टूट जाएंगे। मैं नहीं चाहता वो ऐसी किसी तकलीफ से गुजरे। तू बस मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दे। तू मुझे खुद अपने हाथों से शूट कर दे प्लीज। सत्या एक बात बताना तो भूल ही गया, जिस ऑफिसर की वजह से मेरी जिंदगी खराब हुई उस गुना को मैंने शूट कर दिया, और इस बात की मुझे खुशी है। अब मैं खुशी खुशी मर सकता हूं सत्या।